सभी को प्रेम वंदन। हमारा हमारा आज का जो टॉपिक है, सांसों को इस प्रकार से लेने का प्रयास करें कि उससे पूरा जीवन ही बदल जाए। ये लिंक दे दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब का लिंक दे दिया गया है, जिसको कंफर्टेबल लगे आप जरूर बात कर सकते हैं। यूट्यूब पे बिल्कुल आपको प्रॉपर रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए एकदम। कैमरा ओपन करना किसी के लिए कोई जरूरी नहीं है, हमने किसी को फोर्स नहीं किया। जैसा आपको ठीक लगे, बड़े प्यार से आप ज्वाइन किए रह सकते हैं। यूट्यूब पे है तो फिर कोई इशू नहीं है, बाद में भी देख सकते हैं। अभी किसी को मूव करना हो तो अच्छा है, आप मूव कर सकते हैं। अभी के लिए आप यूट्यूब पर मूव कर सकते हैं, जिसको भी करना हो, वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, राइट। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये बड़ा मजेदार है। सबसे पहले आपको हमें ये समझना जरूरी है कि सारी चीजों की जो शुरुआत होती है, पहले एक मनुष्य जीवन के ऊपर। मेरे सद्गुरुदेव महाराज जी, मेरे परमहंस गुरु महाराज जी, मैं एक बार उनके चरणों में पुनः वंदन करता हूँ और अपनी हार्दिक विनती करता हूँ। प्रभु हमें सत्य की राह पर ले चलिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय। प्रभु हमें तमस से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये हर हर व्यक्ति की प्रार्थना है अपने गुरु के चरणों में। मृत्युर्मा अमृतम गमय, ऋषियों ने प्रार्थना सिखाई, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलिए प्रभु, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलिए, तमस से प्रकाश की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलिए। ये प्रार्थना प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रभु के चरणों में करता है और करनी भी चाहिए, अपने गुरु के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में। मेरे गुरु महाराज प्रकाश का रूप है, आनंद का रूप है। प्रभु ने एक बार ये पावन वचन गुरुवाणी से रेफर करके फरमाए थे, गुरु महाराज जी ने, मेरे परम गुरुदेव जी ने मनुष्य जीवन का महत्व बताया। फिरत फिरत बहुते युग हारे हो, मानुष देह लई, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। मेरे गुरु महाराज जी ने ये सूत्र दिया, फॉर्मूला दिया है। तो ये गुरुवाणी का एक पावन वचन, गुरु नानक साहब जी की पवित्र वाणी में लिखा हुआ है। फिरत फिरत बहुते युग हारे हो, मानुष देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। सिमरन के बारे में विशेष रूप से ये क्लास है, कैसे ढंग से हम अपने जीवन को बदल पाएं, अपने जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन, पॉजिटिव लाला चेंज ला सकें, इसके लिए सारा प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बात तो ये, जो मनुष्य का शरीर है बहुत भाग्य से मिलता है और इसे ही नर नारायणी देह कहा गया। मतलब इसी में इंसान नर भी है और इसी में वो नारायण भी हो सकता है, इसी में ही नारायण भी हो सकता है, ऐसा मनुष्य के जीवन को ये श्रेष्ठता दी है। ये देवी देवताओं को भी नहीं कहा गया, जिन देवी देवताओं के आगे हम माथा झुकाते हैं, सर झुकाते हैं, उनके भी शरीर को, उनको हम बहुत पूजा करते हैं। सारा संसार, इतने सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग उनकी पूजा करते हैं, फिर भी उनकी देह को नर नारायणी देह नहीं कहा गया। तो इस महत्व दिया इस मनुष्य के शरीर को, क्योंकि यहां संभावना है। एक तरीके से जो देवी देवता भी हैं, वो अपने पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के बल पर ही वो देव हैं, देवता हैं। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो उन्हें भी वापस इस धरती पर आना पड़ेगा, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, फिर प्रयास करना पड़ेगा। उनके पुण्य लगातार क्षीण हो रहे हैं, कमजोर पड़ते जा रहे हैं डे बाय डे। इसीलिए तो देवी देवताओं को इतनी चिंता होती है, अगर धरती पर उनकी पूजा बंद हो जाए तो, या कम होने लगे तो उनको बड़ी चिंता होती है। इसलिए वो इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करते हैं कि इनको अपने साथ जोड़ के रखो। इसीलिए वो मुक्ति की तरफ प्रेरित नहीं करते, क्योंकि उनका भी स्वार्थ अटका हुआ है।
क्षमा चाहता हूँ, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन बात समझने की है। एक सतगुरु का वो दर्जा है, परमात्मा का वो दर्जा है जिसे मोक्ष की यात्रा हम कहते हैं, वहां का जो दर्जा है वो डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग है, वहां का बोध अलग है, वहां की बात अलग है। मोक्ष का मतलब सतगुरु जो है वो इन देवी देवताओं के लेवल से बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे। इसीलिए तो पूजा तो करते हैं हम देवी देवताओं की, नमस्कार है सबको, बार 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 नमस्कार है, लेकिन ये याद रखना ये लक्ष्य नहीं है हमारा, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य आत्मा का कल्याण, आत्मा का दर्जा इन सब से भी ऊपर है। ये सभी को मेरी बात क्लियर है, सभी को स्पष्ट है? यस एवरीवन, कोई मन में किसी तरह का कोई भी ऐसा मन में कोई भावना लाए, समझने बहुत जरूरी है। फिर गुरु महाराज जी ने ही ये जो बात फरमाई है, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, मानुष देह लही, एक जन्म नहीं बीता, दो नहीं बीते, 10 नहीं बीते, 50 नहीं बीते, 100 नहीं, गुरु महाराज जी ने फरमाया युग बीत गए, युग बीत गए, युग बीत गए, लेकिन मुक्ति नहीं हो पाई, मुक्ति नहीं हो पाई। बड़े प्रयास कर चुका है ये इंसान अलग 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 जन्मों में। अगर आपको आपकी यात्रा याद दिलाई जाए तो कितनी टफ है, याद करके देखिए कितना मुश्किल है। अगर आपको कहा जाए कि आपको इस धरती पर आते आते 1 लाख जन्म बीत चुके हैं, एक जन्म का एवरेज पीरियड अगर आप 50 साल भी लेके चलो, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। कछुए जैसे जीव हैं जिनकी 400-500 साल की एज होती है, व्हेल जैसे जीव हैं जिनकी एज 200-300 साल की होती है, पेड़ हैं, ये भी तो हैं तो जीव ही ना। 84 लाख जूनियों में ये सारी चीजें आ जाती हैं। पत्थरों की जूनियां हैं जिसका कोई अंत ही समझ में नहीं आता, पहाड़ भी एक जूनी है, यानी कि उसको भी एक टाइम, बर्थ टाइम गिना जाता है। हो सकता है 1000 सालों में कोई पहाड़ खत्म हो, लाखों में हो जाए, कोई भरोसा है? तब भी नहीं क्लियर होता। तो ये सारे जन्म हैं, इतने जन्म धक्के खा खा के खा खा के खा खा के क्या कर रहे थे, व्हाट यू आर डूइंग, कोई पूछे, हमसे पूछे। अब ये गुरु महाराज फरमा रहे तो झूठ तो नहीं हो सकता, राइट? फिरत फिरत बहुते युग हारियो, मानुष देह लई, उसके बाद ये मनुष्य का देह प्राप्त हुई, इसे नर नारायणी देह कहा गया। इसी में गोल्डन चांस है कि इंसान अपने आप को अपग्रेड करके परमात्मा हो जाए, या फिर डाउनग्रेड करके वो जितना नीची जूनियों में जा सकता है चला जाए। अब सोचिए, जन्मा था तो पर इस लेवल पर था, और जब मृत्यु होते होते वो अपना दर्जा नीचे कर बैठा, अपने आप को संसार की मोह माया में बांध कर इतना दुखी होता है, जबकि जाना चाहना चाहे तो जिन देवी देवताओं के आगे सर झुकाता है, ये देवी देवता आके आके इसके आगे सर झुकाएं अगर ये अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले। हम सब उसी राह पर चलें, इसलिए सबसे पहले तो गुरु महाराज जी के, अपने इष्ट गुरु भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, गुरु तत्व के आगे प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे जीवन को सही मार्गदर्शन दीजिए, मैं अपने पथ से भटकू नहीं। बड़े भटके हैं, बड़े भटके हैं, एक से एक भटके पड़े हैं, कोई अंत समझ में नहीं आता। कहाँ चले थे, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, कुछ का कुछ तमाशा करी बैठे हैं। किसी से पूछ के देखो जरा, संसार में कितने तमाशे हो रहे हैं। आप YouTube पे ही देख लिया करो, सारा ज्ञान ध्यान YouTube पे भरा पड़ा है, तो कितने तमाशे हो रहे हैं लोगों के, कैसे कैसी साधनाएं लोग बताते हैं, ये तंत्र, ये मंत्र, ये इच्छा पूर्ति, वो इच्छा पूर्ति, यहाँ पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाओ, ये ज्ञान मिल जाएगा, ये धन प्राप्ति के यंत्र, ये इसके प्राप्त मंत्र, अनेक तरह के तंत्र मंत्र, जंतर षड्यंत्र जो देने हैं सब दे रहे हैं। आत्मा के ज्ञान की बात नहीं करता कोई, ये नहीं कहता कि इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाओ, भागो यहां से, वो बात ही नहीं करता। जेल में रहने के अलग अलग प्रलोभन दिए जा रहे हैं, पता है जेल में इतना मजा है, तुझे क्या पता, जेल में ऐसे स्वाद, जेल में वैसे, तो अरे तू है तो जेल में ही ना। जेल में कोई व्यक्ति अटका पड़ा है, उसको तुम जितने मर्जी, उसको कितनी भी कीमती चीजें दे दो, अच्छा खाना दे दोगे, चलो दे दिया आपने, अच्छा खाना दे दोगे, अच्छे वस्त्र दे दोगे, अच्छा माहौल दे दोगे, कंफर्ट दे दोगे, टीवी लगा के दे दिया, एंटरटेनमेंट के साधन दे दिए, बीमारी थी तो बीमारी का इलाज दे दिया, सारे कंफर्ट दे दिए, लेकिन है तो वो जेल ना, है तो वो जेल ना, बंधा तो पड़ा है ना वो, उसी टाइमिंग में वैसे ही दूसरों की गुलामी में वो जी रहा है, अच्छा तो नहीं ना। हम भी काल और काल की गुलामी में जी रहे हैं, मृत्यु एक दिन आएगी, कोई दुनिया का कितना भी 30 मार खाओ को ये कह दे मैंने मृत्यु को जीत लिया, तो कितना भी दानी ज्ञानी ज्ञानी कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन कोई ये कह दे कि मैंने मृत्यु को जीत लिया है, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मैं नहीं मरूंगा, बाकी कुछ कोई कैसे भी मरता रहे, लेकिन है जिनको जिनको समझ आ गई है
उन्होंने बात को कुछ और ढंग से कहा, जिनको बात पल्ले पड़ी है वो कुछ और ढंग से बात कहते हैं, समझने की बात यह है। लेकिन जिनको समझ में नहीं आई तो फिर वो अपनी बात को उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, तो वो संसार में समझना बात क्या है, बात हो रही है। अब जिसको समझ में नहीं आई वो तो फिर भटका ही जाएगा, राइट, वो तो भटका ही जाएगा, मुक्ति की बात नहीं करेगा वो, संसार की चीजों को प्राप्त करने के अलग अलग आपको उपाय बताए जाएंगे, अलग अलग टोट के बता रहे हैं लोग। मिल भी गया, चलो सारा कुछ मिल गया, जो आपने मांगा सब मिल गया, सो व्हाट, सो व्हाट, सारी चीजें आपके लिए, शुद्ध से शुद्ध, अच्छी से अच्छी सारी मैनिफेस्टेशन आपको होगी, सारी चीजें अच्छी से अच्छी प्राप्त होगी, तो भी क्या, तो भी क्या, सो व्हाट, किम तत् ततः किम ततः किम, फिर भी क्या, क्या मिल गया। एंड में आपसे ये पूछा जाएगा, भाई जिस काम के लिए भेजा था वो काम किया कि नहीं किया। जाहिर सी बात है, श्वासों रूपी पूंजी देकर भेजा था, श्वास देकर भेजे थे, टाइम देकर भेजा था, इस टाइम का तूने यूटिलाइज क्या किया, क्या यूटिलाइज किया, राइट। अगर कोई व्यक्ति अपने अपने किसी नौकर को पैसा देकर भेजे बाजार में, पैसा देकर बाजार भेजे और कहे कि कुछ कोई पर्टिकुलर सामान लेकर आ, जो काम मैंने भेजा वो काम पूरा करके बाजार जाना, और मेरा काम जो दिया है पैसा दिया इससे ये, इसके बदले में ये चीज लेकर आना। सोच के देखिए, वो बंदा बाजार हो आया, पूरा दिन स्पेंड कर आया, पैसा वैसा भी गंवा आया, अब वो पूछे तो पूछता है मालिक कि भाई वो काम चीज लेकर आया जो मैंने तेरे को बोली थी लाने को। जी बाजार बहुत बढ़िया था, बाजार बहुत बढ़िया सजा हुआ था भाई साहब, सामान लेकर आए जो मैंने बोला था, जिस काम के लिए भेजा था। अरे बाजार में तो आपको पता ही नहीं क्या मस्त था, एकदम ऐसा, ऐसी रौनकें लगी हुई थी चारों तरफ, ऐसे मेले वेला लगा हुआ था फलाना बाजार, उसमें ये लाइटें वाइटें, खूब मिठाइयां शिठाइयां मैंने खूब खाई। अच्छा वो काम किया कि नहीं किया जिसके लिए भेजा था, सोच के देखो। यही तो होने वाला है हमसे, हम जितने मर्जी तमाशे बता लें, मेरे इतने बच्चे, मेरे इतना परिवार, मैंने खूब सेवा करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सारा कुछ किया, तू पास हुआ कि नहीं हुआ, तेरे को जो काम कहा था वो हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। पूछा जाएगा ना, पूछा जाएगा ना, जिसने देकर भेजा होगा हिसाब किताब, पैसा देके भेजा होगा, वो पूछेगा ना सीधा सीधा हिसाब, श्वासों के बदले में क्या खरीदा, श्वासों के बदले में, श्वास बेशकीमती है, श्वास बेशकीमती है, इस बेशकीमती श्वासों का कोई ना कोई ऐसी चीज इसके बदले में खरीदनी है जो बहुत ही गजब की हो, बहुत ही गजब की हो। और उसी के बारे में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कबीर साहब और अन्य संतों की मैं वाणी जो है, एक बार उस बात को लेकर चलता हूँ, बड़े प्यार से उस तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। वो जो सदगुरु की कृपा से, जो परमात्मा की कृपा से हमें मिला है, तो एक बार उसी के साथ जो श्वास श्वास में जी पिया, मैं एक बार गुरु उनकी पवित्र वाणी का रेफरेंस देता हूँ, संत सहजो भाई जी, जो श्वासों की महिमा पर ध्यान देता है कि तुझे जो श्वास रूपी पूंजी मिली है उसके बदले तू क्या खरीद रहा है। श्वास को बदलो तो जीवन बदल जाएगा, श्वास को बदलोगे, श्वास को इस तरीके से लो कि जीवन का अंतिम सार मिल जाए। श्वास की बड़ी महिमा गाई है, श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिल सी जाए, सिमरन पैंडा सहज का मेरे सतगुरु दिया बताए। पहले तो श्वास को ढंग से लेने की विधि सीखो, श्वास को ढंग से लेने की विधि सीखो, कैसे ली जाए, कैसे श्वास ऐसा लिया जाए जिससे कुछ अच्छा प्राप्त हो सके। पहली बात क्या, इन श्वासों की जो तरीका है ना, आमतौर पर श्वास का कंट्रोल और श्वासों के साथ परमात्मा की याद, प्रत्येक श्वास के साथ परमात्मा की याद जोड़ने का एक बेहतरीन जरिया है अजपा जाप, अजपा, बिना जप के भी जो जपा जा रहा है श्वासों के द्वारा, वो जपा जा रहा है। तो श्वासों को सही ढंग से कंट्रोल करने का कुछ पार्ट बता रहा हूं, आप सभी जानते हैं, फिर भी एक बार समझने के लिए, अब से अपनी श्वासों रूपी पूंजी को, प्रत्येक श्वास को एक अनमोल रत्न समझते हुए उसके बदले में कुछ खरीद करना है। एक श्वास अनमोल है, राइट, तो इस श्वास के बदले में एक ऐसी पूंजी लेनी है जो बिल्कुल बेशकीमती हो। तो एक श्वास कहता हूं कहे जात हूं, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा तीन लोक का मोल, तीन
तेरे सांसों की कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि तू 3 लोग की कीमत चुकाकर भी एक सांस और नहीं ले सकता, एक सांस और नहीं ले सकता। अगर इतनी ज्यादा कीमत है, सोच के देखना, जरा याद करके देखना। सिकंदर जब मृत्यु का समय आया, इंडिया पर, भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, यूरोप से निकला था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके बारे में ऐसे वर्ड ही शुरू ऐसे लगा था, अलेक्जेंडर द ग्रेट ऐसे वर्ड बोला जाता है, सिकंदर महान, मतलब चलो कुछ भी रहा, अनेक लोगों को लूटा पीटा मारा काटा, कितने करोड़ों 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 लोग, इतना कत्लेआम किया जिसका कोई हिसाब नहीं। लास्ट में जब उसका मृत्यु का क्षण नजदीक आया, जब ऐसा लगा, जब यहां से भारत से लौट रहा था, कोई भयानक गंभीर बीमारी हो गई उसको, और बहुत सारी कहानियां, मैं इन डिटेल में नहीं जा रहा क्या था क्या नहीं था, उसके कौन सी था क्या नहीं था, आप नेट पे पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल पढ़ लेंगे उसके बारे में, उसके ऊपर सीरियल भी बना हुआ। मेन मकसद क्या था बात को कहने का, उसने जब वैद्य ने उसके साथ, जो डॉक्टर वैद्य चलते थे, उससे पूछा कि तू पूरी जिंदगी की, मेरे मेरी मैं आधी दौलत देने को तैयार हूं, मेरे को इतने प्राण, इतने मेरे को ताकत दे दे कि मैं वापस अपने देश पहुंच सकूं, अपने माँ से जाके मिल सकूं, उसके बाद फिर बेशक मैं मर जाऊं। जब आधी दौलत, जितना उतना खजाना चलता था, कहते थे कि उसके साथ सोने के भरे हुए ऊंट चलते थे, उसके ऊपर सोना लदा होता था, ऊंट के ऊंट, सोने चांदी देवरात से भरे हुए ऊंट साथ में चला करते थे, इतनी लंबी लाइनें होती थी जिसका कोई हिसाब नहीं, इतना पैसा, सारा कुछ था। लेकिन जब उससे बात आई सांसों की, कि मेरे पास इतना टाइम मुझे मिल जाए, इतना टाइम मिल जाए कि मैं अपने देश पहुंच सकूं, अपनी माँ से मिल सकूं, और फिर चाहे मर जाऊं, जो मर्जी हो जाए, तो वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए, भैया ये काम नहीं मैं कर सकता, तुम जो मर्जी कर लो, तुम पूरा भी पूरे जीवन भी कुर्बान कर दो, तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगर प्रकृति ने तुम्हारे से प्राण छीनने का निश्चय कर लिया है, मृत्यु के आगे किसी का जोर नहीं है, तुम जितने मर्जी जोर लगा लो, जो मर्जी कर लो, डेथ इज इनएविटेबल, उनका कोई वे ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, मृत्यु तो होनी है, एक दिन ऐसा पंजा जो है ना गर्दन पे आके गाड़ देगा, उसके बाद तुम चीख तक भी नहीं निकल पाएगी, ऐसी हालत हो जाती है, चीख तक भी नहीं निकल पाती है ना, समझ में आती है। बस देखा है लोगों को मरते हुए, अच्छे खासे खेल रहे थे, बतिया रहे थे, बस बात करते 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 ये गए और वो गए, पता नहीं आपने भी देखा, आप तो यूट्यूब पर दुनिया भर के वीडियो शीडियो आ ही जाते हैं, अब तो पहले तो ये बातें सिर्फ बातें सुनते थे, अब तो प्रैक्टिकली देखने को मिलता है, वो डांस कर रहा है बंदा, अभी नाच रहा है, खूब झूम झाम कर रहा है, ऐसे करके गिरा और कभी उठा नहीं, खत्म। क्या भरोसा, क्या भरोसा, आपकी गारंटी है, मेरी गारंटी है, कुछ एक श्वास भी और लेने की गारंटी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, एक श्वास की भी कोई गारंटी दे दे, अगला श्वास तो मैं लूंगा ही लूंगा, कल सुबह तो मैं जीऊंगा जीऊंगा, कल सुबह उठूंगा तो तुमसे बात करूंगा, पक्का है तुम उठोगे, श्योर है, 100% पक्का उठोगे, कोई नहीं कह सकता, बड़े से बड़ा डॉक्टर वैद्य वकील हकीम कम कुछ भी हो, किसी देश का राष्ट्रपति तक हो, वो भी कह दे कि मैं पक्का गारंटी से कल सुबह उठ जाऊंगा, इस बात की भी गारंटी है वो? और अगर वो प्रकृति ने उसके प्राण लेने का निश्चय कर लिया, तो वो इतना भी समय नहीं देगा, इतना भी समय क्या होता है, इतना भी समय क्या होता है कि वो इतना कि मतलब जहां है वहीं के वहीं प्राणों को खींच लेगा अंदर से। कोई बीमारी जब आके लगती है, जब प्राण, हार्ट अटैक आता है, तो वो आपसे टाइमिंग नहीं पूछता, इसलिए श्वास की कीमत बेहद, कि कैसे में ही श्वास आखिरी हो और परमात्मा की याद उसमें आ जाए, तो कितना गजब का कार्यक्रम हो जाए, कैसे मेरी आखिरी श्वास में परमात्मा की याद आ जाए, तो श्वास को लेने का ढंग कैसा होना चाहिए, नहीं कैसा होना चाहिए, क्या करें? तो नाम आप कोई भी जपना जो परमात्मा की तरफ डायरेक्ट करने वाला हो, उस नाम को पकड़ लो और श्वासों में बसा लो, श्वासें जो हैं वो अनमोल हैं, श्वास को बदलो, पूरा जीवन जो है वो बदल जाएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा श्वास को। अभी श्वास का जो आना और जाना चला हुआ है, यहीं से शुरुआत करो, गौतम बुद्ध ने यहीं से शुरुआत करी, जीवन का जो सार है उसकी तरफ देखा, और वो है श्वास, श्वास चल रही है, आ रही है, जा रही है, इसके साथ मैंने जोड़ दिया जो मन के भाव थे। मैं कह रहा हूं जो भी आपको याद दिला, अब इसमें मैं ये कहूं कि मेरे गुरु महाराज जी का नाम जपो, किसी किसी का भी जपो जो आपको सत्य की ओर जोड़ दे,
आप राधा राधा करके मन को शांति मिलती है, आपका मन कनेक्ट होता है परमात्मा से, तो राधा राधा करो। राम जी से जुड़ता है तो राम जी से जुड़ो, साई राम करने से होता है तो साई राम से करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सदगुरु जी ने कोई नाम दिया हुआ है, उसका जाप हो रहा है तो उनका करो, जो भी हो बस वो आपको याद दिला दे अपने सदगुरु परमात्मा की। और गुरु समर्थ, ऐसे सदगुरु जब आपका जिम्मा ले लेते हैं कि आपकी प्रत्येक, हम आपके जीवन का आपको याद भरोसा दिलाते हैं कि आपके श्वास श्वास में नाम बस जाएगा और मृत्यु से पहले हम आपका हिसाब किताब टेकर करने के लिए आ जाएंगे, ऐसे कोई गुरु है, ऐसा कोई आपका हाथ पकड़ने वाला है, भरोसा है आपको, कोई है आपका, कोई लेन देने वाला आगे का, कोई वकील दलील जहां जो सुनने वाला है कोई आपका है, तो शुक्र मना लेना, हरि वंदे शुक्रिया अदा करना उसका, राइट। हर बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसी, जैसा सदगुरु सुनीदा, गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं तैसो ही मैं डीठ, जैसा सदगुरु सुनीदा, जैसा मैंने अपने गुरु के बारे में पता लगाया था ना, तैसो ही मैं डीठ, मैंने उसको वैसा ही पाया। बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ, एक वर्ड यूज किया बसीठ, इसका मतलब हमारी भाषा में होता है बैरिस्टर, यानी कि वकील, वकील यानी कि गुरु क्या है, परमात्मा की दरगाह में वकालत, वकील है वो, सारा केस उनके हाथ में है। वकील ही नहीं, अगर मैं ये कहूं कि वो खुद उस दरगाह के इंचार्ज हैं, मालिक हैं, वही न्यायकर्ता हैं, वही परमात्मा की सीट पर बैठे मिलेंगे, इसमें कोई भी 1% भी शक नहीं, 1% भी शक नहीं है, क्योंकि वो केवल वकील ही नहीं है, वकालत ही नहीं करते, वो खुद परमात्मा है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, और ऐसा भरोसा अपने सद्गुरु के साथ, ऐसा प्यार का रिश्ता, क्योंकि कुछ दिन मेरे से किसी ने सवाल किया कि मैं सारी जिंदगी हम भक्ति करते रहे, भगवान ना करे मृत्यु के समय ऐसी हालत हो जाए कि हमारे श्वास भी ढंग से ना निकल पाए, या हमारा हम किसी कोई एक्सीडेंट हो जाए, पता ही ना चले कब प्राण पखेरु उड़ गए, याद ही ना आके दे अंत में, तो क्या होगा, फिर सारी जिंदगी करी हुई कमाई क्या बेकार हो जाएगी, मन अंतिम समय में पता नहीं कहाँ हो, क्या पता लगता है। अब यहां जब मैंने ये बात अपने गुरु महाराज जी के चरणों में करी, मैंने प्रार्थना करी कि मेरे प्रभु ऐसे ऐसे सवाल है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिंदगी भर तो आपका नाम लिया और अंतिम समय में पता नहीं क्या हो गया, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट कुछ भी हो गया, किस बात की क्या गारंटी है। गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया, मैं आपको उनकी बात बता रहा हूं। मेरे प्रभु ने फरमाया, पहली बात, जो व्यक्ति मन वचन कर्म से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, प्रयास कर रहा है अपनी आत्मा को अपग्रेड करने का, जीवन के श्वास श्वास में वो नाम का जाप कर रहा है, उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं। अगर कभी ऐसी स्थिति आई, अगर तुम रोज मेडिटेशन कर रहे हो, रोज 1-1.5-2 घंटा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लगा रहे हो, तो तुम्हारा जीवन तो बदल ही चुका होगा ना, बहुत कुछ बदल गया होगा, मन की मोटी मोटी परतें तो समाप्त हो गई होंगी ना, डेफिनेटली हो गई होंगी, डे बाय डे, पल 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 श्वास 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 करके तुम्हारे को प्योरिफिकेशन तो हो रहा है ना, तुम्हारे पाप कर्म कटते जा रहे हैं। मान लो तुम्हारा 100 का ढेर था और 100 में से इतना मोटा तो निकल ही चुका होगा, जो थोड़ा बहुत अगर बचेगा मृत्यु के समय, गुरु महाराज ने फरमाया हम किस लिए बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूँ, श्री गुरु महाराज जी फरमाए, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे अंतिम समय, अगर जीवन भर तुमने हमारे नियमों का पालन किया, चाहे जैसे तैसे करके, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम एकदम 100% पक्के हैं, शरणागत की लाज है, शरणागत की लाज है। शरणागत की लाज का मतलब क्या होता है कि मैं कोई बिल्कुल एकदम हिसाब किताब के हिसाब से, हो सकता है मैं कभी एक दिन करूं, दूसरे दिन अगर मेरी तबीयत ठीक ना हो, मैं ना भी कर पाऊं, फिर भी मैंने प्रयास किया, मेरा मन है कि मैं आरती पूजा करूं, मैं सिमरन करूं, मैं मेडिटेशन करूं, मैं अपनी आत्मा के कल्याण का प्रयास मेरा जारी है, कभी शरीर मना नहीं मना, टाइम हुआ कुछ प्लस माइनस होते हुए भी, अपनी सारी भूल बख्शाते हुए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हुए मैं लगा रहूं, तो गुरु महाराज ने फरमाया कि हमारी गारंटी है कि उसके मृत्यु के समय को हम ऐसा बना देंगे कि उसको हमारी याद आएगी ही आएगी, हम बनाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं कि मृत्यु के समय जीवन भर जो जिस चीज की उसने प्रैक्टिस करी है, मृत्यु के समय उसके सामने वही चीज लेकर आएंगे, ये हमारी गारंटी है, हम करके दिखाएंगे, चाहे जो मर्जी हो स्थिति जैसी भी हो, कि हमारा जिम्मा है, हम करके दिखाएंगे। एक बार जिसका हाथ हमने थाम लिया, ये गुरुदेव फरमा रहे हैं, एक बार जिसका हाथ हमने थाम लिया, उसको ए सज्जन मिले ना विछड़े, एक बार हमने हाथ किसी का थाम लिया, मृत्यु क्या
मृत्यु क्या, मृत्यु के बाद भी किसी भी जन्म में चला जा, जब तक उस आत्मा का परम कल्याण नहीं हो जाता हम उसका हाथ नहीं छोड़ते। गुरु महाराज जी का वायदा है, प्रॉमिस है, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, विरद संभारो नाथ जी शरणागत प्रतिपाल। विरद मतलब होता है प्रॉमिस, वो जो प्रॉमिस कर रखा है ना उसको संभालना। विरद संभारो नाथ जी शरणागत प्रतिपाल, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बहां गहे की लाज है मेरी करो संभाली, जो बहां पकड़ी है इस बहां को पकड़े रहना, मेरी करो संभाल, मेरी संभाल करनी, बस ये प्रॉमिस है। ये बड़ी बात है, ये प्रॉमिस छोटा नहीं है, ये मन को आश्वासन देता है कि अगर तुम भूल भी जाओगे तो हम याद रखेंगे। मतलब भगवान सदगुरुदेव भगवान फरमा रहे हैं हम याद रखेंगे, हम नहीं भूलने देंगे, तुम याद करो। तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हारा बाल नहीं बांका होने दिया जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटित होगी या ये नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये गारंटी जरूर है कि तुम इस लोक में या उस लोक में हम तुम्हारा तुम्हारे पैरे हम तुम्हारे जिम्मेवार हैं, ये गुरु महाराज फरमा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की कमाई पूरी किए हुए बगैर भी मर गया, अगर मर गया तो अगर किसी कारण से उसको अगला जन्म भी लेना पड़ा तो उसका जन्म की उसकी कमाई की शुरुआत वहीं से होगी जहां उसने लास्ट टाइम छोड़ा था। ये कोई संसारी पढ़ाई नहीं है। इस जीवन में आपने मान लो ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, राइट, आपने यहाँ पर इस जीवन में अच्छे से 15 16 17 साल की पढ़ाई करके अपने आप को एक काबिल बनाया, अगली बार अगर दो धरती पे आना पड़ा तो आप 0 से शुरू करोगे ना, फिर से नर्सरी में आओगे। ये थोड़ी कि पिछली बार तो मैं पढ़ गया था सारा कुछ, ये पढ़ाई तो 0 हो जाएगी संसार की, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई कभी 0 नहीं होती। अगर अध्यात्म में आपने 0 से 100 की स्केल पर मान लो आपने एक जीवन में मेहनत करते करते आप 70 तक पहुंच गए थे, अब आपकी अगला जो जन्म अगर होगा तो 70 से ही शुरुआत होगी, 71 72 73 वहां से आगे का लेवल चालू होगा। निश्चिंत रहिए इस बारे में, ऐसा नहीं होगा कि वो नीट लेवल नीचे आ जाएगा। इसको समझना जरूरी है कि प्रत्येक श्वास के साथ अगर हम परमात्मा के नाम की प्रैक्टिस करते हैं, श्वास नहीं तो भाव से हम कनेक्शन बनाते हैं, अगर 1 घंटे में एक बार भी बना जाए ना तो भी पार है बेटा, तो भी एक बार बेड़ा पार है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर दिन में 2 टाइम भी हमने फिक्स कर रखे ना कि सुबह और शाम इतनी देर तो मैं अपने प्रभु को याद करूंगा ही करूंगा, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, तो भी आत्मा का कल्याण है। गुरु महाराज ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे मेरे प्रभु कि तुमने सारे काम छोड़ के बस केवल परमात्मा का भजन करो। आज किसी का मैसेज आया हुआ था, वो कह रहे थे कि अगर ऐसा है, अगर हमें पता लग गया तो सारे काम क्यों करें, फिर क्यों करें फालतू की चीजें, हम क्यों ना बैठ के सारा दिन भजन करें। नहीं, ये गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि तुम सारा दिन बैठ के हमें याद करो, नहीं ऐसा नहीं है। करते काम करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। मन में वो कृपा निधान बैठा हुआ है, लेकिन करते हाथों से डिफरेंट डिफरेंट कार्य जो है संसार की जो फर्ज हैं वो निभाए जा रहे हैं। करते काम करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। मस्तक पर अपने सदगुरु का सुंदर चेहरा, उनकी ध्यान बना के रखना, नाम से भी ज्यादा, नाम जाप से भी ज्यादा कीमती है ध्यान, गुरु का ध्यान, उनकी मूरत का ध्यान। किसी ने कहा क्या राधा राधा जपने से हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। और इसीलिए जो भी आपको उचित लगे, राइट, अगली जो भी आपको उचित, जो भी नाम आपसे जुड़े हुए, दृढ़ता से जुड़ जाना, और अल्टीमेटली किसी भी नाम को जपने का उद्देश्य है कि आपकी आत्मा में प्रकाश हो रहा है, नाम आपको आज शुद्ध कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है, अभी कर रहा है, अभी राइट नाउ। मज्जन फल देखियो तत्काला, कहा गई हो पुनि बका मराला, मतलब जो जो अगर परमात्मा के नाम अगर आप थोड़ा सा भी जाप कर रहे हैं तो कल्याण होगा, कल्याण होगा, डेफिनेटली होगा। जो आपको कुछ ठीक लगे करना, अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने इष्ट को अपने माथे पर विराजमान करो। ये जो स्थान है ना, ये दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है, ख्याले गैर घर आए तो दर्शन हो नहीं सकता, यहां बिठा लो उसको, ये स्थान उन्हीं के लिए बना है, रोम रोम में बसा लो, राम 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 राम, जो आपको अच्छा लगे, जो नाम भी उचित लगे। मैं ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, मेरे गुरु महाराज जी ने जो मुझे फरमाया, मैं जो भी जो जिस तरीके से भी याद कर पाऊं आपको, कोई शॉर्टकट, नाम तो एक बताने मात्र के लिए है ना, नाम तो एक इंडिकेटिव है। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, आपके भी कई नाम होंगे, राइट,
आपके भी अपने, अगर आप अपने आप से बोले, कोई आप जैसे कोई मेरा नाम संजीव है तो संजू बोलता है, कोई मम्मी बोलती थी तो संजय बोलते थे, कोई ऐसे बोलते, कोई कुछ भी बोलता था, एक व्यक्ति के कई नाम ऐसे बाहरी के रूप से हो सकते हैं ना, नाम वैसे कई हो सकते हैं, आपको कोई किसी भी रूप में बुलाए, रेफर तो वो आप ही को कर रहा है ना, तो परमात्मा को भी कोई किसी भी नाम से बुलाए, वो बुला तो उसी को रहा है, तो उसको भी पता है, राइट, बुला तो उसी को रहा है तो उसको भी अच्छे से पता है, तो काम नाम कोई भी हो आप उसकी याद में हैं, आप अपनी आत्मा की भी याद में हैं, तो भी एक ही बात है, चिंता मत करें, कोई ये सोचे कि नहीं मुझे प्रभु का ही नाम जपना है, आप ये करते रहो, ओ मातम देवाय नमः, आत्मा का इस आत्मरूपी देव को नमस्कार है आपके लिए, ये भी अच्छा है तो ये भी करो, निश्चिंत रहिए, याद अपनी आत्मा की आ जाए, मन उस समय संसारी ख्यालों में ना अटका हो, कोई इच्छाएं ना अटकी हो तो कल्याण हुआ पड़ा है, मन में कोई वासनाएं ना हो तो कल्याण हुआ पड़ा है, फिर निश्चिंत रहिए, फिर निश्चिंत रहिए, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझते समझ के ना इस बात को कल्याण करने के लिए, तो ये गुरु महाराज जी की कृपा से इसको अच्छे से समझते हुए अपने आत्मा के कल्याण के लिए, है ना, तो इसको करना क्या है, जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मैं एक बार रेफर करता हूँ, मैं जन्म मरण के जैसे सवाल पैदा होता है लोग पूछे जन्म मरण का चक्कर कैसे छूटे, मैं एक बार संतों की वाणी से रेफर करता हूँ, संत पलटू दास जी हैं, सामने आप उनकी फोटो देख रहे हैं, संत पलटू दास जी बड़े महान बड़े प्यारे संत हुए हैं, पलटू नाम कैसे पड़ा कि पहले संसार में एक बनिया हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, हिसाब किताब करते थे, परमात्मा ने कोई ऐसी लगन लगी रातों रात पलट गए, कहते थे कि पहले संसार का व्यापार करते थे, गुरु ने ऐसी कृपा दृष्टि करी उसके बाद पलट गए, और परमात्मा का नाम अब दिन रात वही चलने लगा, पलट गए इसलिए नाम रख दिया पलटू, बड़ा कमाल का नाम और बड़ी कमाल की बात, जवाब पूछा किसी ने कि संसार से मुक्ति कैसे हो, क्या जवाब देते हैं पलटू साहब जी, देखो बीज वासना का जरे तब छूटे संसार, संसार में दोबारा आने के लिए बीज का नष्ट होना जरूरी है, जो बीज बोया जा रहा है ना वासना रूपी बीज, इच्छाओं रूपी बीज जो बोया जा रहा है, अगर इच्छाएं ना हुई तो दोबारा आने का कोई कारण ही नहीं बनता, बीज वासना को जरे तब छूटे संसार, तब छूटे संसार जगत से प्रीत न कीजिए, लोभ मोह को जार सत्य पद मार्ग लीजिए, जिसने जीते जी परमात्मा से प्यार किया धीरे धीरे करके उसका संसार तो छूट ही जाएगा, संसार छूटने का मतलब यह है वासना नहीं है, अब इच्छाएं नहीं है, डिजायर नहीं है, लोग हैं लेकिन उनसे कोई मांग नहीं है, वासना क्या कहती है, वासना मतलब इच्छा, हाय इससे कुछ सुख पा लूं, पत्नी हो मेरी सेवा करे या पति हो मेरी केयर करे, अब पति या पत्नी की इच्छा नहीं है, ये व्यक्ति द्वारा जाने की इसकी जरूरत खत्म हो गई, इसको कोई बच्चों की लालसा नहीं है, इसको कोई दूसरे से सुख पाने की लालसा नहीं है, आपका मेरा सुख मेरे ही भीतर है, जिसको ये बात समझ आ गई वो दोबारा क्यों आएगा, द्वारा क्यों आएगा, वाई दिस पर्सन विल कम टू दिस अर्थ अगेन अगेन, क्यों आया, अभी आया क्यों, इस पृथ्वी पर जन्म लेने का उद्देश्य क्या था, वास्तव में उद्देश्य तो इतना ही था कि बात समझ में आ जाती कि संसार में थोड़े बहुत जूते पड़ते परमात्मा की याद आ जाती, है ना, संसार में जूते पड़ते तो परमात्मा की याद आ जाती, सारे संसार में जिसको भी जहां जहां से जूते पड़ रहे हैं ना परमात्मा अपनी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, शुक्र मनाना कि संसार में थोड़े थपेड़े पड़ रहे हैं, कहीं फेल्योर मिल रही है, कोई बिजनेस में घाटे पड़ रहे हैं, कोई कोई संसार में कोई मारपीट हो रही है, कोई दुख हो रहे हैं, कोई पीड़ाएं आ रही हैं, कोई कष्ट आ रहे हैं, कोई शारीरिक कष्ट, कोई मानसिक कष्ट, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारियां आ रही हैं, केते दुख भूख सद मार ए वी दात तेरी दाता, अगर जीवन में कष्ट भी आ रहे हैं तो हे प्रभु हे परमात्मा ये तेरी कृपा है कि तू मुझे इनमें फंसने नहीं दे रहा, कल इस पत्नी से बड़ा प्यार था या पति से बड़ा प्यार था, उसने कोई अपमान कर दिया, गाली दे दी, कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ अपमानित कर दिया, कुछ दूसरों के उसके बारे में कुछ बुरा भला बोल दिया, मन उसकी तरफ देखने को भी नहीं करता, अति उत्तम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, भलो भयो छूटो जंजाल, भज गोविंदम भज गोपाल, शुक्र है संसार से थोड़े जूते पड़ रहे हैं, थोड़े थप्पड़ पड़ रहे हैं, थोड़ी मार पड़ रही है, तो हम परमात्मा की तरफ मुड़ रहे हैं, शुक्र मनाना, हो रहा है ऐसा, खूब पिटाई चल रही है, पिटाई हो रही है, हाँ यूट्यूब वालों अब आपसे भी पूछ लें, पिटाई हो रही है अच्छी खासी, मार पड़ रही है संसार में, शुक्र मनाना, संसार में खूब मार पड़ रही है, धन्यवाद देना प्रभु का,
धन्यवाद देना प्रभु का कि मार पड़ रही है, क्योंकि तुम्हें संसार से बंधने नहीं दे रही है, संसार से वासनाएं खत्म कर रही है। इच्छा थी ना, ये पत्नी सुख देगी, वो पत्नी सुख नहीं दे रही। वो जो जो गालियां देती है, वो मारती है, वो पीटती है, वो कुछ करती है, वो इतनी सुधी बातें करती है, या वो पति जिससे बड़ी उम्मीद थी सुख देने की, अब वो अगर कुछ कहता है, बुरा भला बोलता है, दुत्कारता है, कुछ करता है। शुक्र मनाना परमात्मा का, शुक्र है प्यार करने वाला पति नहीं मिला, ताकि वासना का बीज छूट गया, इच्छा खत्म हो गई। किसी के रिश्ते टूट गए, शुक्र मनाना परमात्मा का। कोई शरीर के प्रति बीमारियां क्यों पैदा हो रही हैं, इस शरीर की वासना खत्म हो जाए, डिजायर खत्म हो जाए, धन्यवाद देना। कोई बीमारी आ जाए ना, शुक्र गुजारना कि प्रभु अच्छा है, शरीर की ममता छूटे, अच्छा है, वरना तो खत्म ही नहीं हो के दे रही थी। मैं सुंदर, मेरा शरीर सुंदर, और ऐसा और वैसा, पता नहीं क्या क्या बीमारी पड़ी, तो फिर पता चला कहाँ शरीर, कौन सा सुंदर शरीर। अच्छा, शुक्र मनाना। केते दुख भूख सद मार, किसी को मार पड़ रही है, दुख में जा रहा है, भूखा है, प्यासा है, तकलीफ आ रही है, ये सब डांट है उसकी परमात्मा की। कोई अपमानित कर रहा है, अच्छा है संसार से थोड़ा वैराग हो जाए। अब रागी क्या करेगा, वो उस बंदे के साथ वो पाल लेगा, दुश्मनी पाल लेगा, जो संसारी होगा, किसी ने अपमान किया और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बंद गया, ये भी बंद गया और वो भी बंद गया, इसने अपमान किया वो बंद गया, इसने अपमान सहा ये बंद गया, ये दोनों फंस गए, दोनों के अंदर वासना है, इसके अंदर बदला लेने की, इसने किया और इसने इसका उसको उल्टा, और ये सारी जिंदगी ये लेना देना ऐसे चलता रहेगा, ये क्रिस क्रॉस होता रहेगा ऐसे ही। इतनी बार होता है ये, जिसका कोई अंत नहीं समझ में आता। इट कीप्स ऑन हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, चलता रहता है, जन्मों जन्म चलता रहता है। एक जन्म इसने इससे बदला लिया, अगले जन्म इसने इससे बदला लिया, ऐसे सुनते तो हैं, स्टोरी तो सुनी होंगी बहुत सारी। फिर वो जन्म फिर बदला लेता है, फिर ये लेता है, फिर ये लेता है, फिर वो लेता है, ये उसको मारता है, ये उसको मारता है, ये तमाशा कब तक चलता रहेगा, जब तक इनमें से कोई एक दूसरे को माफ नहीं कर देगा। वरना एंडलेस है, एंडलेस करते रहो, लड़ते रहो, मरते रहो, खपते रहो, बार 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 बार, मर मर जमे जमे फिर मरे, बार बार खेल चलता रहता है। देखो मुक्ति की मांग करो, बीज वासना का जरे तब छूटे संसार, तब छूटे संसार जगत से नेह न कीजिए, लोह मोह को त्याग सत्य पद मार्ग लीजिए। क्या फरमा रहे संत पटेलदास जी, मारे भूख प्यास जगत की करे ना आशा, काम क्रोध को जार जले सब भोग पे विलासा। कि शुक्र है कि काम क्रोध इच्छाएं डिजायर्स को हटाकर, भोग विलास को हटाकर, थोड़ी परमात्मा के प्रति लगन लगाई जाए। सदा नहे निवृत्त निवृत्त चित्त ना अंतै जावे, चित्त से मृत्यु की याद नहीं जाती, चित्त ना अंत है जावे, अंत है मृत्यु की याद नहीं जाती, मन को लेवे फिर भजन में जाए लगावे। मन जब संसार की तरफ दौड़ने का प्रयास करे ना, मन कोई डिजायर मांगे, हाय फलानी चीज खाने को मिल जाती, हाय ये चीज मिल जाती, किसी चीज की मांग करे ना, इसको वहां से मोड़ के प्रभु चरणों के साथ जोड़ दे, बार 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 बार, ये मन डिजायर कर रहा था। अगर मन या तो इच्छा को समाप्ति कर दे, समझ में आ जाए कि अरे क्या इच्छा, क्या मांग के करेगा। हमारे संत फरमाया करते थे, कोई बात किसी के बारे में बोलते थे, जैसे संत का मतलब मन में जो भाव आता है कि मान लो किसी चीज की इच्छा पैदा होगी कि चलो आज जलेबी खाते हैं, जलेबी खाते हैं, संत ने किसी के मन में कोई ऐसे भाव आ गया एक बार, जलेबी खाते हैं, तो वो क्या करता है, गया अब जलेबी किसी दुकान, कोई संत है मतलब साधु रूप लिया हुआ है, संसार से विरक्त है, लेकिन किसी ने मन में जलेबी की दुकान के आगे से गुजर रहा है, हलवाई के आगे से मन में आ गया कि जलेबी खाते हैं। अब जलेबी खाते हैं तो लेकर वो अब जाके दुकानदार को बोलता है, जी जलेबी दे दो। दुकानदार काहे को दे, वो तूने साधु वेश धारण कर रखा है, जा अपने घर यहाँ से, ये क्या जलेबी, पैसे लगेंगे इसके लिए, तो पैसा ला, पैसा तो है नहीं मेरे पास, पैसा नहीं है तो फिर क्या। ये एक प्रैक्टिकल घटना बता रहे हैं, किसी भी उसके मन में आ सकता है, तो अच्छा पैसा नहीं है तो फिर क्या, पैसा तो कमाना पड़ेगा, कहीं से छीन सकता नहीं है, कहीं से मांग सकता नहीं है, तो फिर क्या। तो गया थोड़ा बहुत कुछ लकड़ी वकड़ी काटने का कोई काम कोई कर रहा था, किसी से पूछा भी पैसा कैसे कमाए, गया लकड़ी वकड़ी कुछ काटने का, सारा दिन लकड़ियां ढोई इधर से उधर, उधर से उधर लकड़ी जाके बाजार में बेची, कुछ पैसा हाथ में आया, थोड़ा सा पैसा कुछ आया, अब वो पैसे से उसने जाकर जलेबी खरीदी, पूरा दिन रगड़ा अपने आप को, तब जाके वो इतना पैसा आया कि जलेबी खरीदी जा सके, जलेबी ली। अब जलेबी लेकर वो खाने के लिए बैठे, मन है अंदर से लालायित हो रहा है, हाय
अब दिल करेगा सारा दिन जलेबी का ख्याल दिल में बना रहा, जलेबी दिल में छा गई। ऐसे ही बतेरे लोगों के मन में पता नहीं क्या क्या छाया रहता है। आपके मन में तो नहीं छाया रहता ना कुछ? बीज वासना को जरे तब छूटे संसार। वासना मतलब ऐसी छोटी सी, चाहे जलेबी खाने की भी वासना वासना है, डिजायर है, इच्छा है। अब वासना ने अटक के अटक गया। अब ये संत है, साधु है, मन में विवेक जागा कि अब जलेबी लेते टूट पड़ते हैं। जैसे ना खाना है अपने मन पसंद का खाना, लोग ऐसे जंप मार के यार लपालप, फिर पता नहीं होता, ऐसे लोग खाते हैं। अभी साधु है, बड़ी मुश्किल से इतनी सारा दिन मेहनत करी, थोड़ा सा पैसा कमाया और फिर जाके जलेबियां हाथ लगी। अब जलेबी खाने का दिल कर रहा है, बस अभी तुरंत खा ले, लेकिन अंदर से विवेक जागा। वासना की बात बता रहे हैं, कैसे उससे मुक्ति पाई जाती है। मन को मोड़ता है साधु बार बार इच्छाओं की तरफ। मेरे गुरु महाराज फरमाया करते हैं, मन रोचे बुरियाइयां कुरुशब्दी ए मन होड़िए। मन बुराई की तरफ भागता है, इच्छाओं की तरफ भागता है, ये पालूं सुख मिल जाएगा। तुरंत अपने मन से उस पर अंकुश लगाया जाता है अपने आप से, और उसे कहा जाता है, अरे नालायक तुझे ये पाने से कहाँ मिल जाएगा, कौन सा आनंद मिल जाएगा तुझे, पिछली बार भी तो तूने खाया था, खा खा के गोबर कर दिया, और करा क्या तूने। ये बात समझाने का एक ढंग है, बुरा मत समझे, लेकिन समझाने का एक ढंग है। खा खा के गोबर ही तो किया, तूने किया क्या इससे ज्यादा, क्या कर दिया, स्वाद के पीछे पागल है ना। अब उसने उसके मन ने स्वाद ने पकड़ा उसको, हाय जलेबी का स्वाद आने वाला है, अब लप लप कर रही है जीभ अंदर से ना, अब वो स्वाद आने वाला है। अब वो स्वाद के लिए अब क्या करता है, अब अंदर से विवेक जागृत हुआ, ज्ञान जागृत हुआ, ये मैं क्या करने जा रहा था, मैं साधु, मैंने गैरिक वस्त्र धारण किए, आग में अपनी समस्त वासनाओं को जला डाला, और फिर आज जलेबी के पीछे पागल हो गया, हट, मन में विवेक जागृत हुआ। तो क्या करता है, बैठा है वहां पर, एक नदी के किनारे पर गया, नदी के किनारे पर वहां अभी ताजा ताजा कोई गाय जो है गोबर करके गई थी, उसके पास बैठ गया नदी का किनारा, और वहां पर लेता है जलेबी, एक जलेबी लेता है मुंह के पास लेकर आता है, बस अभी अभी बस अभी बस खाने को है, जीभ एकदम बस बस अभी चाहिए चाहिए। वहां वो जलेबी के लिए बिल्कुल लालायित है, मन अंदर से लालायित है, ये चीज अभी मिलने वाली है, मजा आ जाएगा, इंद्रियों के स्वाद भी मिलने वाला है, यहां तक लाता है जीव, जब बिल्कुल ललायत हो रही है, उठा के वहां से निकालता है, तुरंत ठाके उसमें डाल देता है, नदी में डालता है, और पास में गोबर पड़ा होता है, ठाके मुंह में ठूस लेता है, खा तू लगा था ना, यही मांग रहा था ना, बड़ी तर को एक जिस जलेबी के पीछे तूने मुझे कितना जलील किया, किसी की किस तरीके से मैंने लकड़ियां ढो ढो के, कैसे लोगों के आगे मैंने वो बेच के, और कैसे बड़ी मुश्किल से पूरा दिन लगाया तेरी इस जलेबी को पाने के लिए, ये संत का विवेक है, जागृत हुआ। तो मन को कंट्रोल, जैसे जैसे जलेबी वैसी मुंह के पास लाता है, लेके आता है, जीभ लप लपाती है खाते खाने के लिए, और उसको उठाकर नदी में डालता है, और फिर से गोबर मुंह में डाकर डालता है, खा तू। बात समझना, केवल संतों का एक बात बताने का तरीका है, साधु हैं स्वादु नहीं। हम ये मान सकते हैं, चलो हम साधु नहीं है तो क्या मानसिक साधु नहीं हो सकते हम, मानसिक रूप से वो भी तो एक पर्सन ही है ना। उसने संसार का त्याग का मतलब सिर्फ इच्छाओं का त्याग, हम त्याग का मतलब को घर छोड़ के नहीं भाग रहे, जैसे हैं संसार में यहीं इसी दुनिया में रहेंगे, यहीं इन्हीं की छाती पे मूंग दलेंगे, लेकिन रहेंगे उसके होकर, परमात्मा के होकर रहेंगे, प्रत्येक पल उसी की याद में बिताएंगे, साधु हैं स्वादु नहीं, याद रखेंगे उसको प्रत्येक श्वास, श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए। याद दिलवाते हैं अपने आप को, याद दिलाते हैं अपने आप को, बड़ा उत्तम है राइट। तो बड़े प्यार से इसको अच्छे से बार बड़े, तो इसलिए अपने जितना भी हो सकते आगे की स्थितियां तो खराब रहेंगी, को तुम अपनी व्यवस्था ठीक कर लो। नाम धन जिनके पास है वो कदैव किसी के आगे कभी उनको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी पड़ेगी। सदा रहे निवृत्त चित्तना अंतै जावे, मन को लेवे फिर भजन में जाए लगावे। मन को लेवे फिर, मन इच्छा करता है, वासना मांगता है, डिजायर मांगता है, हाय ये चीज खा लूं, ये पालूं, ये विषय, इस बंदे से बात कर लूं थोड़ा मजा आ जाएगा, काहे का मजा, कैसा मजा, तो मन को फेर फेर कर लाना पड़ता है। मन को लेवे फिर भजन में जाए लगा, भजन परमात्मा की याद,
पलटू हिरण के कार ने उड़मत्त लिया अवतार। ऋषि की बात कर रहे हैं, याद होगा भरत ऋषि के बारे में सुना है तो, है ना। उड़मत्त ऋषि की बात करते हैं, एक हिरण की वजह से दोबारा वासना के कारण एक पूरे चक्र को दोबारा से झेलना पड़ा। एक इतना बड़ा ऋषि होकर एक हिरण में वासना जागी तो हिरण का जन्म लेकर आना पड़ा। बीज वासना का उजरे तब छूटे संसार, जरा ध्यान से, तब छूटे संसार जगत से प्रीत न कीजिए, लोभ मोह को जार सत्य पद मार्ग लीजिए। ये जो है ध्यान से अपने आप को उन डिजायर से मुक्त करने का प्रयास करें। काम क्रोध काम वासना की तरफ मन भागे तो खींच कर लाए, क्रोध की तरफ भागे लोभ की तरफ भागे, और कमा लूं और कमा लूं, क्यों कमा लूं क्यों कमा लूं, जितना है क्या सफिशिएंट नहीं। हाँ जरूरत है, जरूरतें सबकी पूरी होंगी, लेकिन वासनाएं किसी की कभी नहीं, ना पूरी हुई ना हो सकती हैं। तो इसीलिए मन को बार बार खींचकर उसी श्वासों के साथ सिमरन चल रहा है, जाप चल रहा है, उसमें लगा है मेरे गुरु महाराज का। मैं तो जैसे चाहे मन से करो चाहे जैसे करो, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, या फिर श्वास श्वास में उसके नाम का जाप करना, श्वास श्वास में नाम की, जो आपको अच्छा लगे। मन में जपा, श्वास में जपा, प्राणों से जपा, याद बनी रहे, याद बनी रहे, किसी भी कारण से मेरा मन आत्मा के कल्याण में रहे, ऐसे जिसे हम बोलते हैं ना ऑटो पायलट मोड, विचारों के अंदर भीड़ में जो लगा रहता है उसमें ना जाए, ये जो है हमारा आत्मा के कल्याण का रास्ता। तो बड़े प्यार से प्रयास करना आत्मा के कल्याण का, प्रयास करना जहां से भी आपके मन में जिस तरीके से भी परमात्मा की याद आ जाए। हम लोग क्या करते हैं, हर एक घंटे बाद एक अलार्म लगा रखा है मोबाइल में, ज्यादा कुछ नहीं, वो टिंग छोटी सी आवाज करता है बस, छोटी सी, जैसे 10 बजे 11 बजे 12 बजे, हर एक घंटे के बाद थोड़ी सी देर के लिए टिंग आवाज करता है बस। जब भी आवाज आएगी ना, थोड़ी देर के लिए ठहर जाना, जो भी काम कर रहे हो ठहर गए 2 मिनट के लिए, पूरा हृदय लगाकर ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, 11 बार चैंटिंग जरूर करनी है। ऐसा मन को एक आदत डाल ली, पानी पीने लगे उसे पहले एक आदत डाल ली, 5 बार जाप करके ही पानी पीना है, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, जहां आपकी श्रद्धा है जिस रूप में भी करेंगे, मैं अपने गुरु महाराज जी का ही नाम लूंगा, जाहिर सी बात है। इसी प्रकार से कोई भी काम, रात को सोने लगे थोड़ी देर के लिए बैठ गए, जब तक नींद नहीं आई तब तक ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, जब तक नींद नहीं आई तब तक ऐसे ही जाप चलता रहा, नींद आ गई आ गई, फिर रात को कभी गलती से आंख खुल गई जब भी कुछ भी, फिर से एक बार वही जाप चल रहा, कॉन्स्टेंट, लेटे बैठे चालते खान पान व्योहार, जहां तहां सुमिरन करे सहजो हिय निहार, भीतर देख के भीतर भीतर निहार कर तो फिर से जाप चालू। ऐसा जब मौका मिला खाने लगे, अब खाना का, अब जाहिर सी बात है खाने से पहले अर्पण करेंगे परमात्मा को, हे प्रभु स्वीकार करना, गलतियां माफ करना, किसी भी रूप में शुद्ध है अशुद्ध है मैं नहीं जानता, जैसा भी बना है, कभी घर का भी होगा कभी बाहर का भी खाना पड़ता है कभी कोई मजबूरी में, तो क्या करेंगे, अर्पण करके समर्पित करके ओम श्री परमहंसाय नमः, शुद्ध करना प्रभु, शुद्ध करना पवित्र करना, उस पर मंत्र का जाप किया और अपना प्यार से जैसा भी हो सके जितना शुद्ध खाना खाने के प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं होगा तो जो है अवेलेबल है तो उसके हिसाब से, तो वेजिटेरियन खाएंगे शुद्ध खाएंगे, बट जितना जो अवेलेबल होगा उसी के हिसाब से। इसी तरह मौका मिले जा, कोई सिचुएशन ऐसी आई जो मन को बांध सकती है, जिन जिन चीजों से मन पहले बंधा रहा है ना, वही वही सिचुएशन परमात्मा आपको बार बार लाके दिखाएगा, फिर से मन को खींच कर वहां से पुनः अपने रास्ते की ओर लगा लेना, उसको याद दिलाना ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, अपने सदगुरु को नमस्कार है बार बार, बस तुम याद करे रखना, चिंता मत करो, बाकी उसकी ड्यूटी है ना, वो बैठा है, थोड़ी याद तुम्हारी और थोड़ी थोड़ी वो भी तो तुम्हें याद करेगा, वो भी खाली थोड़ी बैठेगा, वो भी करेगा याद, कभी देखो अपने बच्चा कहाँ है, वो याद डालेगा तुम्हारे अंदर, किसी बात को देखकर याद आ जाएगी, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई लगा ली, मोबाइल के पीछे ही लगा लिया, अभी चलो जब भी मोबाइल उठाएंगे इसको याद करते हुए एक बार गुरु महाराज जी का नाम जरूर लेंगे, अपने प्रभु का नाम अवश्य लेंगे, अगर श्वास के साथ ही जोड़ लिया तो फिर तो बात ही क्या, फिर तो बल्ले बल्ले हो गई, माने कुछ भी तरीके से लेकर प्रभु के नाम को अपनी श्वासों में बसा लें, और श्वास अगर लंबी गहरी लेने का मौका मिल जाए तो गजब ही है, फिर तो बात ही क्या है, कोशिश करना लगातार याद बनी रहे, याद कॉन्स्टेंट याद याद, सारा खेल उसी के पीछे चलता है,
एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो, मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद ना हो। याद करना अपने प्रभु को, जहां आपकी श्रद्धा है, मैं अपने गुरु महाराज जी के साथ प्रीत का रिश्ता जोड़ा है, तो व्हाई नॉट, जैसा हो सके। एक दिल भर बैठा है दिल के ऊपर, बस बाकी किसी की क्या जरूरत है, जिस रूप में भी है वही है, वही है मेरे लिए, वो संपूर्ण ब्रह्मांड उसी के रूप में समाया हुआ है, किसी और की जरूरत नहीं है, बस वो एक बैठा है तो सब काफी है। सारे यूनिवर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक रूप है परमात्मा का, एक ये शुद्ध आत्मा अपनी और एक वो, अगर ये और वो का फर्क ही करना है तो। लेकिन वास्तव में वो इसमें समाया है और ये उसमें समाया है, ऐसे कह दें तो फिर बात ही क्या है फिर तो। इसीलिए सोहम जैसे महावाक्य बने, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है तो खेल वही। तो इसको याद कर लिया या उसको याद कर, इसको मतलब अपनी आत्मा को, इसको याद कर लिया ओम मातम देवाय नमः, या उसको याद कर लिया ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम आत्म देवाय नमः। अगर अपनी आत्मा को याद करते हुए भी हो गए ना, ओशो कहा करते थे, तुम अपना नाम ही चिल्ला लेना जोर जोर से, संजीव 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 संजीव, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी तुम्हें तुम्हें याद आ जाए अपनी आत्मा की, बात शब्द की नहीं है, शब्द की नहीं है, शब्द कौन सा जब प्रयोग, बात इसकी है तुम्हारा ध्यान किस पे जा रहा है, वट इज हैपनिंग इनसाइड। बाहर से तुम जो मर्जी कह रहे हो, लोग ऊपर से कुछ मर्जी बोलते रहे, राम 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 राम, और मन पता नहीं कहाँ जा रहा है इधर उधर, तो जहां जा रहा है ना बस वही मिलेगा। इसीलिए नाम से भी ज्यादा जरूरी जो गुण है, रूप है, वो ज्यादा कीमती है। इसीलिए ध्यान को भी पकड़ना बार बार। उस दिन मैं प्रेमानंद जी महाराज जी का एक छोटा सा वो शॉर्ट सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि तुम राधा नाम को अंदर में लिखो, मानसिक रूप से लिखो, अगर लिखना है तो सामने ऐसे करके राधा मन में लिखो, गोल्डन कलर से लिखो, किसी से भी लिखो, वो आपकी मर्जी है, आपका अपना अंदर अंतर मन है, बड़ा सुंदर तरीका है ऐसा, जो अच्छा लगता है, मतलब अंतर में, मन में, बाहर में, इधर में उधर में, जो तरीका अच्छा लगे वो कर लो, वट सो एवर, साम दाम दंड भेद, जो तरीका लगे कुछ भी लगाओ, ये जंग जीत कर जाना है, ये जीवन रूपी जंग बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, इस वक्त ही सौदा खरीद कर ले, फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के, फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के। कोई कोई होते हैं ना ऐसे बाजार होते हैं, अभी इतने साल भर में एक बार लगता है, कोई होता है 2 साल में, कोई ऐसे भी होते हैं चलो हफ्ते भर में महीने भर में मिलते हैं, तो कहने वालों ने कहा इस वक्त ही सौदा खरीद कर ले, फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के, जे तू आंखें में भल के खरीद कर सा, मैं दोबारा खरीदूंगा, अरे अगले साल से ही, अरे अगले मिनट से ही, अगले दिन से ही, ऐसा वक्त ना मिले हर बार मुड़ के, ऐसा वक्त ना मिले हर बार मुड़ के, बार बार ये वक्त नहीं मिलने वाला, ये गोल्डन चांस दोबारा नहीं मिलेगा, अगली बार आए पता नहीं कौन कौन गुरु कौन चेला, कैसी स्थिति खराब हो चुकी हो इस धरती की, अभी हमारे देखते देखते चीजें कितनी बदल गई हैं, हम अगले 10 20 मान लो 40 साल बाद दोबारा इस धरती पर दोबारा पैदा होके आगे, स्थिति कितनी खराब हो चुकी होगी, होगी ना, जिस हिसाब से आज हालत खराब है और ज्यादा वर्स्ट हो चुकी होगी, तो फिर क्या करेंगे। तो आज ही मुक्ति का प्रयास किया आप, इसलिए आप आज ही मुक्ति का प्रयास करना पड़ेगा, राइट। तो बड़े प्यार से प्रयास करना, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने के अंत का यही श्वास हुए प्रभु की कृपा से। और इसीलिए एक बार कबीर साहब जी की पवित्र वाणी से रेफरेंस ले लेते हैं बात को, अंत में कंक्लूड करने के लिए फरमाते हैं, कोट नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, जो भी आपको याद दिला दे, आधी नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई, अगर आपके मन में कोई परमात्मा की याद का तो कोई तरीका है ना, जिस तरीके से भी लगता है तो उसी तरीके से सभी रसायन हम करी, लास्ट वाला दोहा देखना, सभी रसायन हम करी नाही नाम सम कोए, परमात्मा के नाम जैसी कोई चीज नहीं मिली हमें, रंचक घट में संचरे और सब तन कंचन होए, रंचक इतना सा भी घट के अंदर आ गया ना, पूरे तन को पूरी आत्मा को अंदर से कंचन बना देगा, शुद्ध कर देगा, प्योरीफाई कर देगा, लोहे से सोना बन जाएगी ये आत्मा, शुद्ध हो जाएगी, कहने का तरीका है। तो इस तरीके से रंचक घट में संचरित, तो एक ऐसा रसायन, एक ऐसा केमिकल जो एक जो पूरी एल्केमी चेंज कर दे, परमात्मा का दिव्य नाम है, उस नाम के साथ प्रीत लग जाए, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः,
ओम श्री परमहंसाय नमः। जहां जाऊं जिधर देखूं मेरे परमहंस गुरुदेव को मेरा नमस्कार। जो भी चीज हो मुझे याद दिला दे, बस ओम श्री परमहंसाय नमः, भाव मेरा जुड़ जाए ओम श्री परमहंसाय नमः। ऐसे करके अपने हृदय को जोड़ दीजिए जहां से भी आपकी श्रद्धा हो। अगर आपको राधा राधा करने में आनंद है तो जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। बस याद रखिए उसकी दिल में याद बन जाए और अंत में राधा जी के चरणों में समा जाए। राधा मतलब परमात्मा स्वरूप, सीधी सीधी सी बात है। जो रूप आपको अच्छा लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेट एक ही ऑब्जेक्टिव है, इस आत्मा का कल्याण हो जाए, राइट। तो इस बात को अब कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सबर संतोष से आपने बात को सुना। फिर महाराज जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भी हमने सीखा, जो भी पाया, सारे संतों का, सारे गुरुजनों का एक ही मत है, कोई अलग वो नहीं, कोई अलग हम नहीं, हमारे गुरु महाराज जी नहीं, हम तो सिर्फ उन्हीं की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, गुरुदेव की वाणी सुन के अपने हृदय में बसाएं। मेरे परम सदगुरु जी जिसके दिल में वास करें, ये तो उनकी तो फिर बात ही क्या है। एक घड़ी का सुमरण तेरा, जन्म जन्म के रोग निवारे, निश्चिन जिसके दिल में विराजो उसकी महिमा कौन उचारे। निश्चिन जिसके दिल में विराजो उसकी महिमा कौन उचारे। एक घड़ी का सुमरण तेरा, जन्म जन्म के रोग निवारे। ये गुरु महाराज जी की कितनी बड़ी बात है, एक घड़ी का सुमरण भी आत्मा के कल्याण में सहायक हो सकता है। और जिसके दिल में प्रभु का वास हो जाए तो फिर तो बात ही क्या। तो इस हृदय के अंदर विराजमान करके जैसा भी हो सके कि मेरे रोम रोम में मेरे प्रभु समाए हैं और उनकी याद से मेरा मन सराबोर रहे, इस आत्मा जीवन भर भी उनकी रहे और मृत्यु के समय भी उसी की याद हमारे हृदय में रहे। ऐसी प्रार्थना मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में बार बार करता हूँ कि प्रभु जो मुझे दिया मेरे से भी लाखों गुना ज्यादा इनको देना। तो ये मांग रहे हैं जो भक्ति की मांग जिन्होंने भी रखी है, हे गुरु महाराज सबकी मांग पूरी करना। मैं अपने प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, सबके निमित्त मांगता हूँ, जो मुझे दिया मुझसे भी ज्यादा भक्ति इनको देना, मुझसे भी ज्यादा ज्ञान समझ आनंद प्रेम इनको देना, इनकी आत्मा का कल्याण करना जो मेरे साथ जुड़े हैं। यही एक टीचर का फर्ज है। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए दुआएं ही मांग सकता है, ब्लेसिंग ही दे सकता है। मुझे तो दिया प्रभु ने सबका कल्याण करना, सबके लिए दुआएं मांगते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं, इन सब के लिए प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा हम सब पर इसी प्रकार से बनी रहे, बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद सभी को गुरु महाराज जी की तरफ से। अभी हम अपनी बात को मैं यहाँ अपने कंप्लीट करता हूँ। ऐसे ही ये सेवा चलती रहे, ये सिलसिला चलता रहे, गुरु चरणों में हमारी भक्ति हमारा प्यार बड़ा रहे। हम ऐसी प्रार्थना अपने सदगुरु के चरणों में बार बार करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्र को भी यहीं पे विराम देते हैं और सुबह हमारा जो एक सत्र है, एक दूसरा सेशन है। एक तो 10:30 बजे से सेशन है वेमेन एम्पावरमेंट का, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब कुछ घर पे बैठ के क्या ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें उसके लिए अलग अलग आइडियाज डिस्कस किए जाएंगे। किसी को भी करना हो तो उसका लिंक जो है अभी हम शेयर कर देता हूँ मैं, तो सुबह आप जरूर ज्वाइन करेंगे। ग्रुप में भेज दिया गया होगा, अगर नहीं होगा तो ग्रुप भेज दिया गया है तो आप उसको आप जरूर ज्वाइन करें ताकि वो आपको वो मिल जाए, रास्ता मिल जाए। तो दूसरा अगर नहीं तो इसके लिए सुबह वुमेन एम्पावरमेंट की क्लास का लिंक आपके ग्रुप में भेज दिया गया है, राइट। जिसको भी करना हो तो आप, लेडीज के लिए है ये, कल सुबह वुमेन एम्पावरमेंट की महत्वपूर्ण क्लास रखी जा रही है, ग्रुप में आपको भेज दिया गया है। अगर किसी को भी करना हो तो आप ये ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। इसको सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है, तो इसमें आप बाकी लोग ज्वाइन ना करें, ये केवल लेडीज के लिए रखा गया है, विमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया। तो ऐसा नहीं कि सब हम बीच में जाके एंट्री मार के वहाँ बैठ जाए, क्या होता है क्या होता है क्या होता है, वो हरकतें ऐसी नहीं करें। तो विमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से रखा गया, तो इसको ये ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को यहाँ पर लिंक भेजा गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसी में ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा, टाइम इसका सुबह रहेगा, सुबह 10:30 बजे का टाइम रहेगा, इसी में प्रयास किया जाएगा। सुबह जो मेडिटेशन, शाम का भी कल एक मेडिटेशन रखा गया शाम को 6 बजे, उसका लिंक आपको कल दिन में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इस आज की क्लास में जो हमने सीखा है इस पर थोड़ा अमल करें, लाने का प्रयास करें। सुबह 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5:30 हमारा गाइडेड मेडिटेशन होता है, प्लीज ज्वाइन करें।
जो लोग भी करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जो लोग नहीं करते उनको याद दिलाई जा रही है। ये जो आज जो ग्रुप में जुड़े हैं लोग, ये जूम मीटिंग में जुड़े हैं, यही लिंक सुबह वैलिड रहता है, सुबह 3:30 से चालू हो जाता है लगभग, तो 3:30 से 5:30 का टाइम रहता है, जरूर ज्वाइन करें, आत्मा का कल्याण हो। नहीं हो सकता तो ओम श्री परमहंसाय नमः का गुरु महाराज जी का जो मंत्र है वो सभी के निमित्त है, कोई मेरे गुरु महाराज नहीं है, वो सारे जहान के हैं, जिसको जो अच्छा लगता है। मैंने अलग अलग चीजों के लिए, मैंने ये अलग अलग ऑडियो रिकॉर्डिंग का कलेक्शन है जो दे रखा है, तो जिसको जो उचित लगे आपको ये दिया जा रहा है चैट विंडो में, आप जरूर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैट विंडो में डाल दिया गया है गुरुदेव का नाम जाप जो है, आप जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो लेडीज के लिए मैंने ग्रुप भेजा था उसको एक बार मैं दोबारा आपको याद दिला दूं, विमेन एम्पावरमेंट वाला जो ग्रुप है इसको एक बार लेडीज के लिए ही ज्वाइन करना। मैं सभी के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर कोई भी ऐसे भीड़ ना लगाएं, ऐसा ध्यान रखना। तो ये इसमें भेज दिया गया है लिंक, थैंक यू वेरी मच। जिसको भी करना हो जरूर करेंगे, जा सुबह ज्वाइन करेंगे तो आपको रास्ता यहाँ पे और आगे का बता दिया जाएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच। इस सत्र को हम यहाँ पर विराम देते हैं। गुरु महाराज जी के चरणों में विनती है। हमारा लेंटर डलना था, कल का प्लान था लेकिन कल बारिश की वजह से थोड़ा सा वहां पर सच्चिदानंद धाम में वृद्ध आश्रम में, इसके लिए प्रार्थना, अगर किसी के मन में कुछ भी भाव हो तो ये QR कोड दिखाया जा रहा है, सेवा का किसी भी तरह का कोई भाव हो तो प्लीज थोड़ी बहुत सेवा जो है आप जरूर भेजें, ताकि वो कार्य जो है वो हो सके। आप सबके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। नवंबर में हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, तो एक लेंटर डाला जा रहा है ऊपर, जो रेजिडेंशियल ब्लॉक का फर्स्ट फ्लोर बनने वाला है, तो उसका लेंटर डाला जा रहा है। कल का था वैसे लेकिन कल पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो बारिश की वजह से 7-8 5-6 दिन डिले किया है, बस उसके लिए ये तैयारी है, सब कुछ रेडी है, बस बारिश जिस दिन ना हो 2 दिन के लिए तो फिर डाला जाएगा, ऐसा प्रयास चल रहा है। तो जो भी आपके लिए बन पड़े, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। परमार्थ का कार्य सदैव चलता रहेगा। आज का हमारा 1 पैसे का भी कॉन्ट्रीब्यूशन आने वाले लंबे समय तक संसार को, जो जगत कल्याण का ये रास्ता खोला गया है उसके लिए रास्ता मिलता रहेगा। इसलिए प्रार्थना करते हैं, सभी के आगे निवेदन है, अपनी आत्मा के कल्याण का प्रयास अवश्य करना, अवश्य करना। आप सभी का जीवन सफल हो, मेरी सबके लिए दिल से शुभकामनाएं। इस धरती पर आने का आपका उद्देश्य पूरा हो, जब इस धरती से जाएं तो उज्ज्वल मुख होकर जाएं, उज्ज्वल मुख होकर जाएं, भगवान के सामने जब जाएं कितनी खुशी होगी हमारे प्रभु को। है जिन्हीं नाम ध्याए आ, गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, गए मशक्कत काल, जिन्हीं नाम ध्याया, जिन्होंने भी परमात्मा के नाम का जाप किया, गए मशक्कत काल, उनकी मेहनत सफल हो गई, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, उनके खुद के भी मुख उज्जवल हुए और कितने ही लोगों का कल्याण उनके द्वारा हो गया। इसलिए प्रयास करना, अपना ही नहीं जगत के कल्याण का प्रयास करना, हम यहाँ सबकी सेवा के लिए आए हैं, ऐसा प्रयास करना, सबके निमित्त हम अपने लिए वो कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे, सबके आत्मा का कल्याण हो। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बार बार यही प्रार्थना, हमारी सबके आत्मा का कल्याण करना। हे दातार जो हमको दिया सबको देना, भक्ति प्रेम आनंद, यही प्रार्थना गुरु चरणों में करते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें, सभी से निवेदन है, जो ये लिंक डाला था एक बार, ये प्रार्थना सभी के आगे है, वीडियो का लिंक डाला गया था, इसको एक बार क्लिक करके लाइक कर दें, ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंचाने में मदद मिल सके। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे, सबके आत्मा का कल्याण हो सके।